जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं बार बार मैं बताता हूं कि ध्यान की विधि आपके मंत्र जप की विधि से 100 से भी अधिक गुना काम करती है। आप 5 मिनट का ध्यान करें, आप 5 मालाओं से मंत्र जप करें, आप 5 मिनट का जो ध्यान करेंगे वह 5 मालाओं से भी अधिक काम करेगा। इसीलिए मैं धीरे धीरे करके लयबद्धता से आपको मंत्र करना बताता रहता हूँ। एक ही मंत्र करें, ध्यान से करें, लयबद्धता से करें। और आज मैं वही एक मंत्र आपको बताऊंगा जो महागौरी यानी माँ पार्वती का मंत्र है। और यदि आप उस मंत्र को लयबद्धता से करते हैं, और उसके बाद एक छोटी सी विधि बताऊंगा, बस यदि वह आप कर लेते हैं तब आप में अनंत शक्तियां आने लग जाएंगी और आपकी सम्मोहन शक्ति भी बढ़ने लग जाएगी। आप इस जीवन में अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। अब छोटी सी विधि है, छोटा सा मंत्र है, इसे याद कर लें। अब मैं इसकी पहली विधि बता देता हूँ। दोस्तों, सुबह सुबह नहा धो करके आपने अपने पूजा स्थान में माँ गौरी का ध्यान करके और एक इलायची समर्पित करनी। अब माँ गौरी का ध्यान जिस मंत्र से किया जाना है वह मंत्र मैं आपको बताऊंगा, यानी वह मंत्र पढ़कर माँ गौरी का ध्यान करना है और एक इलायची अपने पूजा स्थान में रख देनी है। जो इलायची आप पूजा स्थान में रखेंगे उसका आपने करना क्या है कि जब आप भोजन करते हैं तो भोजन करने के उपरांत आपने उस इलायची को ग्रहण करना है, यानी प्रसाद रूप में खाना है। यदि आप ऐसा नित्य करते हैं और यदि 41 दिन भी कर लेते हैं तब आप में स्वयं देखेंगे कि शक्तियां आने लगेंगी और आपकी सम्मोहन शक्ति भी बढ़ने लगेगी। अब किसी दिन यदि आप सोचें कि किसी दिन छूट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो जितने भी ध्यान के मंत्र हैं दोस्तों, इनसे ऐसा कोई भी संबंध नहीं है कि आपकी प्रक्रिया टूट गई। कोई नहीं, एक दिन छूट जाए, एक दिन और अधिक कर लेना, पर आप निरंतर करने की कोशिश करना। अब मैं आपको माँ पार्वती का वह मंत्र बताता हूँ जिससे आप ध्यान करके एक इलायची अपने पूजा स्थान में रखेंगे। तम वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वास बीजम परमाशि माया सम्मोहितम देवी समस्त मे तत् तमो वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। बस दोस्तों, यह माँ गौरी के ध्यान का मंत्र है। इस मंत्र को यदि आप पढ़कर माँ गौरी का ध्यान लगाएंगे और एक इलायची अपने पूजा स्थान में समर्पित कर देंगे, हाथ में लेकर के ही मंत्र पढ़ लेना। हाथ में नहीं लेके पढ़ो तो पढ़ने के बाद अपने अलग से इलायची समर्पित कर देना, हाथ जोड़कर पढ़ लेना, ध्यान लगाकर पढ़ लेना। याद नहीं हो तब तक आप इसे लिख लेना और देख करके पढ़ लेना, पर लयबद्धता से पढ़ लेना। दोस्तों, लयबद्धता से ध्यान भी लगता है और तुरंत यह मंत्र समष्टि में विलीन हो जाता है और आपका कार्य भी शीघ्र बनने लग जाता है। दोस्तों, इसे करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। एक एक बातें बड़ी महत्वपूर्ण हुआ करती हैं।
यदि आप उसे विश्वास लगाकर करें, अच्छा लगता है, अपने यार दोस्तों को बताएं। आपके लिए सिर्फ इतना ही, आप अपने लाइक का ध्यान रखें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।